अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम इस गले की डिज़ाइनिंग बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कमीज़ है जिसकी हम कटिंग की हुई है। ये हमारे पास इसके हमने बुकरम के ऊपर गले को कट करके रखा हुआ है। ये हमारे पास बड़ा गला जो नीचे लगाएंगे और यानी कि कमीज़ के साथ जिसको सेट करेंगे, और ये ऊपर वाला जिसके जिस पे डिज़ाइनिंग होगी। ये इसके दरमियान में हम मोती लगा के इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। दोनों ही कट करके रख लिए हैं और ये इसके नीचे हम बुकरम को कट करके रखा है जिसकी हमने पट्टी बनाएंगे। इनके इसके ऊपर लूप्स लगाएंगे मगजी के लिए। इसको कट करके इसको हम इसके ऊपर यानी कि ब्लू कपड़े के ऊपर इसको सेट करेंगे और इसको कमीज़ के साथ, और ये हम कमीज़ के साथ इस पट्टी को सबसे पहले सेट करेंगे। उसके लिए हमें अपने कमीज़ के गले को देखना है कि हमारे गले की हमने कहाँ तक कटिंग करनी है। जितना हमने बुकरम को कट किया हुआ है वहीं तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे इसको रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे रखते हुए इसके साथ हम मार्किंग करते हुए इसके यानी निशान लगा लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे करते हुए, ताकि बाद में हम जब इसकी मगजी निकालेंगे लूप्स लगाने के लिए तो बड़ी आसानी से लग जाएंगे। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं, रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाते हुए न्यू नोटिफिकेशन के लिए ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, अब हम इसके साथ बुकरम को लगा लिया है जिसकी हमने ये मगजी निकालेंगे ब्लू कपड़ा नीचे लगाते हुए, और जो ऊपर लगाना है ये उसके ऊपर भी उसको भी हमने सेट करके रख लिया है, और इसको हम कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। इसके नीचे ब्लू कपड़े के रखते हुए इसके हम पाइपिंग को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे इसकी थोड़े सा मार्जिन छोड़ते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगानी है ताकि जहाँ पे इसका कट आ जाए। ऐसे ही इसको हमने इस तरफ से मोड़ते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। बिल्कुल ही एक बूट का वक्फा छोड़ना है या ताकि इसके अंदर जो कटिंग जब करेंगे, देखें यहाँ पे हमने इसको कट लगाना है। यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ नोक बना ले, थोड़ी सी इस तरफ नोक बनाते हुए अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी पाइपिंग जो है साथ साथ बनती जाएगी। यहाँ पे इस तरह इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, और हम उसके ये इसके अंदर साथ साथ ये लूप्स बना के रखी हुई हैं इसको देते जाएंगे, और साथ ही इसके इस कपड़े को यानी कि इसकी जो फट्टी उसको अटैच कर लेंगे ताकि नीचे से कपड़ा कवर रह जाएगा। ऐसे इसको नीचे रखते हुए ऊपर से आपने अपने हिसाब से मार्जिन छोड़ लेना है जहाँ तक आप इसको छोड़ना चाहें। इसको ये देखिए, इसके अंदर इसके लगाते हुए तीन तीन हमने कुंडियाँ जो हैं इसके लगानी है और एक साथ बिल्कुल इन तीन कुंडियों को हमने एक साथ लगा के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से एक दूसरे के साथ इसको अटैच करते हुए सिलाई लगाएं बड़े एहतियात के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इनके हम आप 2 इंच का छोड़ लें, 3 का छोड़ लें, आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। वहीं पे हमने फिर ये देखो 2 से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे फिर हमने इस तरह की कुंडियाँ लगा देनी है। और इसके साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाते हुए न्यू नोटिफिकेशन के लिए ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, ऐसे ही आगे से भी हमने इसी तरह वक्फा छोड़ दिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद हमने कुंडियों को लगा देना है एक साथ। बड़े अच्छे से एक जैसे इनको रखते हुए इसके ऊपर आप सिलाई को चला दें। यहाँ पे इसको इस तरफ मोड़ लें आप। अब इन कुंडियों को ऊपर करते हुए ताकि इसके नीचे ना आ जाए, इनको ऊपर करते हुए यहाँ पे सिलाई को चला के इसको बंद कर दें। ये देखें, बिल्कुल एक जैसा रखते हुए ताकि दोनों तरफ से ही एक जैसा, इनके बड़ा छोटा ना हो जाए, इस तरह रखते हुए और कुंडियों को ऊपर करते हुए सिलाई को चला के इसको कंप्लीट कर लेना है हमने।
ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी से इसकी शेप आ गई है, और इसकी कुंडियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके साथ गले को अटैच करेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लें, नहीं चाहें तो आप तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डबल सिलाई चला के इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर गले को, जो हमने बुकरम को फैब्रिक पहले से इसको अटैच कर लिया है, अटैच करने के बाद अब हम इसको, ये देख सकते हैं, इसको यहाँ से कट करेंगे। हल्का सा कट करके इसको दो पीस में कर लेंगे। यहाँ से भी इसको कट कर लिया थोड़ा कपड़े को छोड़ते हुए, ताकि हमने यहाँ पर सिलाई चलानी है, क्योंकि इसको अलग अलग इसलिए रखा है कि इसके हमने दरमियान में कट छोड़ना है। यहाँ से इसको दबाते हुए थोड़ा सा फैब्रिक को इसके अंदर दबाते हुए, ताकि इसके, ये देख सकते हैं आप, इसको हमने इसके अंदर दबा लिया ताकि ये बाहर नज़र ना आएगा। यहाँ से इसको स्टार्ट करना है हमने। फिर जो कपड़ा, जो बुकरम होता है, कम ज़्यादा हो वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। हमेशा आप कट की तरफ से इसको सिलाई लगाना शुरू करें, और इसके साथ साथ सिलाई को चलाते हुए कंप्लीट कर लें। बहुत ही सिंपली सा गला है ये, आप इसको देख सकते हैं, बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा, और आजकल बहुत प्यारा सा और ट्रेंड पे आने वाले इस तरह के गले हैं। ये देखिए इस तरफ हमने बना दिया, और अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही इसको लगा के सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसके भी हल्के हल्के कट लगाएं। कट लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ मोड़ लें। ये अब हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप देखिएगा बिल्कुल एक जैसा ये बैठ जाएगा यहाँ पे, यूँ ऐसे करते हुए इसको, ये देखिए इसको प्रेस करने के बाद आप इसकी शेप देख सकते हैं। अब हमने इसको इसके ऊपर अटैच करना है, जिसके साथ हमने मोतियों के साथ इसको अटैच करेंगे, और सबसे पहले इसको दरमियान से कट कर लेंगे। जिस तरह उसी गले को कट किया है, इसी को भी इसी तरह ही कट कर लेंगे। और अब यहाँ से सिलाई को चला के, ये देखिए इधर से हम इस सिलाई को चलाएंगे। इसको चलाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से इसको रखते हुए, क्योंकि इस तरह इसको गुम टाइप में इसकी सिलाई लगा देंगे। ये आप देखिए इसको अब हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप देखिएगा ये यहाँ से इसको सिलाई जब भी लगाएंगे कट वाले गले को, तो इसको ऐसे सिलाई लगाते हुए अब हम इसकी नोक को ज़रा बाहर निकालेंगे। ऐसे करते हुए ताकि दोनों तरफ से कपड़ा उसका अंदर आ जाएगा। यूँ ऐसे इसको भी ऐसे ही हमने करते हुए, कपड़े को पहले से हमने फोल्ड किया हुआ है दोनों तरफ से, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये कपड़ा अंदर ही फोल्ड रह जाएगा। इसी तरह अब हम, ये देखिए इसको भी सीधा करके इसकी भी नोक को बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोनों ही हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ से दोनों तरफ से इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इधर डबल कपड़ा था, इसके ऊपर हमने सिलाई को चला के इसको बंद कर दिया सिलाई। ये देखिए इसके भी हम ऐसे ही सिलाई को लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला गला बन के तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इसको रखते हुए इसके ऊपर हम, ये मोती है हमारे पास, इसको इसके साथ हमने लगा देना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको रखते हुए यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ताकि इसकी जो है नोक्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसी रहें, और इसका कट जो है एक जैसा आए। जब भी आप मोती को लगाना शुरू करें तो यहाँ से लगाना शुरू करें, ऊपर गले के फ्रंट यानी कि वो कंधे की तरफ से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करें, फिर वो इसके कभी कम बड़ा भी गला हो सकता है। इसलिए ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही मोती को रखते हुए नीचे वाले गले के साथ और ऊपर वाले जो है इसके साथ लगाते हुए अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसी तरह हमने दूसरे को भी ऐसे ही लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं और एक रोज़ाना एक नया डिज़ाइन देखना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के बटन को दबाते हुए आल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको लगा के इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत प्यारा सा और सिंपल सा, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए हमारा गला है। आप इस तरह के आपने सिंपली से और न्यू डिज़ाइन देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह के डिज़ाइन जो है इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। कैसा लगा हमारा डिज़ाइन, फिर हाजिर होंगे एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।